सवारी चल चुकी है, वी आर गोइंग। अंजू भाई। अंजू सर, बढ़िया। हर महादेव, आपको आपको और रजनी भाई को और जो भी आपके साथ जा रहा है उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय और सुखद रहे। सफर शुरू हो चुका है, रज्जी भाई आ गए हैं। तो अभी ऐसा है, हम जा रहे हैं सोलन। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, धीरे धीरे हम देखते हैं। बस अभी घर से निकला हूँ और आज है 6th of July। बस अभी सोलन जा रहा हूँ, सोलन से होगा जो भी होगा, और धीरे धीरे पूरा अपडेट आएगा कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे ट्रिप का, तो बस अब आएंगे नए व्लॉग्स नई जगह के, तो देखते हैं अब क्या सीन है। आपको मैं बताते हैं, हमें तो पता है क्या है, आपको बताते हैं अब क्या सीन है। देहरादून जा रहे हैं, अभी 12 बज गए हैं। बाकी अभी आगे देखते हैं, अभी खाना खाने रुके थे कुछ, लेट्स सी यहाँ पे क्या है। हर की पौड़ी आ गया भाई, बस अभी 2 बजे और 2 बजे हम हर की पौड़ी। रज्जी भाई साथ में, बन्नी भाई। अब प्लान ऐसा है कि हमने नहाना है, डुबकी मारनी है, फिर इसके बाद आगे निकलना है। आगे जाने का प्लान है, तो अभी शुरू हुई है यात्रा हर हर गंगे में। तो फर्स्ट टाइम आया हूँ हरिद्वार, और जहाँ भी आगे जा रहे तो उत्तराखंड में मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ है। तो बहुत सही जगह, अभी रात को ही पहुँचे। देहरादून भी सही जगह थी, बस सारी दुकानें बंद थी, सब बंद था, तो इतना आइडिया नहीं हुआ। डुबकी मार दिया है हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।
अब डुबकी मार दिया। अब ऐसा प्लान है कि वहाँ से चलेंगे, जो भी सारी थकान थी सारी क्लियर होगी भाई। अब हर हर महादेव। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम कल रात से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम केदारनाथ की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में रास्ता बंद होने के कारण ऊपर से पत्थर आ रहे थे, तो यहाँ से एक शॉर्ट बस ये भैया अभी यही बोल रहे कि जल्दी निकल जाओ क्योंकि शॉर्ट कट है, यहाँ से हमको पीछे आना पड़ा क्योंकि जल्दी निकल जाओ, पॉइंट खराब। हाँ तो वही, तो पॉइंट भी खराब है यहाँ पे। उस टाइम हम आ रहे थे, बारिश हो रही थी और पत्थर गिरे थे। उत्तराखंड खतरनाक है, ऐसे नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आया यहाँ पे, तो और रोड भी खतरनाक है, बारिश भी हो रही है। गंगा में हम नहाए, डुबकी लगाई, गंगा में डुबकी लगा के फ्रेश हो गए, थोड़ी नींद पूरी करी यहाँ पे आराम से। पर अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर, देखते हैं इस सफ़र में हमें क्या कुछ देखना पड़ेगा। रज्जी भाई साथ है पीछे, नींद के हम सब भूखे हैं, लेकिन हमारी नींद थोड़ी बहुत पूरी हो चुकी है सफ़र में, हम थोड़ा बहुत सोए, लेकिन हमने कंटिन्यू ड्राइव किया है और अभी तक हम आ चुके हैं 398 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर हम आ चुके हैं। हमने नया ट्रिप लगाया ये, तो हमने सोलन से स्टार्ट किया था ये ट्रिप, तो अभी यहाँ तक के लिए ये पूरा 400 किलोमीटर हो चुका है और रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट जो था ना यार, 2-3 पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे थे ना जिनमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये कितने खतरनाक रोड है यार। पर सही में मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मैं फ़र्स्ट टाइम उत्तराखंड आया, उत्तराखंड के नाम पे मैं सिर्फ अपने गांव से त्यूनी तक ही गया था, लेकिन आज जब मैं एक्चुअल उत्तराखंड आया हूँ तो भाई उत्तराखंड सच में भाई जन्नत है, जन्नत। बस जो पहाड़, इनके पहाड़ों के पत्थर आ जाते हैं ना नीचे, वहाँ थोड़ा रिस्की है बट ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर, उत्तराखंड की ब्यूटी बहुत सुंदर है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी हल्की बारिश कम हो रही है, तो धीरे धीरे जो है वो फॉग हट रही है और व्यू हमारा बढ़ रहा है, तो अब देखते हैं भोले बाबा हमारे लिए क्या रचते। क्यों रज्जी भाई, और बढ़िया ना बाकी? बढ़िया बाकी, कैसा चला हुआ है सीन? रिस्की एज हेल। और गंगा में डुबकी लगा के कैसा लगा? बहुत साल पहले मैंने तो फर्स्ट टाइम गंगा में डुबकी लगाई और कुछ स्पीड में आ रही थी, मैंने कहा ये तो साथ ही ना ले जाए कहीं हमारे को, बट वहाँ पे चेन्स थी तो हमने पकड़ी। एक बच्चा तो डाइव भी मार रहे हैं वहाँ, बच्चे तो लोकल होने ना वहाँ के यार, हम तो अभी फर्स्ट टाइम आ गए। तो अभी हम पहुंचे हैं चंद्रपुली, और चंद्रपुल यहाँ से केदारनाथ का जो ट्रैक है वो है अभी 2 घंटे दूर, तो अभी 2 घंटे ट्रैवल करना है। अभी हम रुके थे यहाँ पे, फ्रेश हुए, अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, परांठा, जगह सही है, वॉशरूम भी चले गए, ऑल सॉर्टेड नाउ। एंड ड्रीम था अपना केदारनाथ जाना यार बन्नी भाई, क्यों यार, सपना पूरा हो रहा है ये तो सच में, इट वॉज माई ड्रीम और ये मेरा सपना पूरा हो रहा है कि भाई मुझे इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा।
मैं प्लान कर रहा था अपने बर्थडे के टाइम कोई ट्रिप की, हाँ भाई मैं कहीं जाऊँ, और यस फाइनली अभी चलते हैं आगे और देखते हैं बाकी और क्या सीन है। भैया अपना नाम बता दो पहले। हमें बहुत अच्छे परांठे खिलाए, बहुत अच्छी चटनी खिलाई और चटनी बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया। We are having fun. ब्रेकफास्ट हमारा सही हो गया, अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे हर हर महादेव। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, हारा हारा शंभो शंभो शिवा महादेव। सोन प्रयाग पहुंच चुके हैं, अब हम यहाँ से ऊपर हमने चढ़ाई करनी है, बस अभी ये जैकेट पहनी है, एक बैग है, बाकी रेनकोट वगैरह सब उठा लिया है। बंदे अपने तैयार हो गए हैं, बैग अपना फुल। हर हर महादेव। अभी हम सोनप्रयाग पहुंचे, हम बड़े पुल तक जा रहे हैं, वहां से एक गाड़ी मिलेगी थोड़ी ये ट्रैक्स टाइप, वो जाएगी आधे रास्ते तक छोड़ेगी हमें जहां से हमने ट्रैक करना है महादेव के लिए। बैठ गए हैं जुब्बल किंगडम। तीन डंडे दस दस रुपए के हमने तीन डंडे ले लिए हैं, एक एक डंडा तीनों ने ले लिया है। अब हम धीरे धीरे महादेव की ओर जा रहे हैं, पर मुझे बहुत पर्सनली बहुत खुश हूँ मैं, बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था एंड फाइनली वी आर हेयर नाउ। पाँच किलोमीटर रह गया है,
आगे पीछे चल रहे हैं आराम आराम से सब। इतने टाइम बाद ट्रैक करो, लास्ट टाइम सिर्फ चंदन नान गया था और भाई अब सीधा। तो भाई रेल तो बन गई है, ऐसा नहीं है। रज्जी भाई फिर मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग बस 2 घंटे बोल रहे हैं, ज़्यादा से 1.5 घंटा अब, और धीरे धीरे चल रहे हैं। अब बारिश भी रुकी, पहले बारिश हो रही थी, अब सही हो गया। धीरे धीरे मौसम हो रहा है। ओ This is a beautiful valley that we have entered. Wow. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. बाबा जी हर हर महादेव। थोड़ा सा रह गया मंदिर यार भाई, मतलब मज़ा आ गया यार। हर हर महादेव। मैं बस यही बोलूँगा सबको कि भाई अगर कभी टाइम मिले लाइफ में ना भाई, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी गो टू सम प्लेसेस जहाँ पे हम रिकनेक्ट करें। अभी मेरे लाइफ में खुद भी ऐसे चला हुआ था, तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं थोड़ा टाइम अपने आप को दूँ और कहीं ट्रैकिंग पे जाऊँ। और भोलेनाथ ने यहाँ बुला लिया है, थैंक यू भोलेनाथ। हर हर महादेव, पॉजिटिव वाइब्स सबको। आप खुश रहे, आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहे, आपके घर वाले हेल्दी रहे। आई विश देम लॉन्ग लाइफ। एंड बस अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा रह गया, अब तो पहुंच गए। हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। अभी सुबह मौसम ख़राब था, बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। बट अब 2 दिन चॉपर लैंड कर चुके हैं यहाँ पे, तो चॉपर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन टू कम टू केदारनाथ। बाकी यहाँ नीचे से वो घोड़े भी चलते हैं, तो वो भी सही है। ये देखो,
तो वो भी सही है, घोड़े भी और हेलीकॉप्टर भी, बाकी अगर चल सकते हैं तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा चले। तो आज तो यहीं रुकूंगा मैं, बस पहुंच गए आज हम, पता नहीं कैसे पर पहुंचा दिया भोलेनाथ ने। केदारनाथ आना और फाइनली पूरा हो गया। थैंक यू भोलेनाथ, आई लव यू, हर हर महादेव। बस रेल ज़रूर बनी है ऊपर पहुँचते पहुँचते, लेकिन ड्रीम पूरा हो गया, फर्स्ट स्टेप टू ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आरती होने वाली है, उससे पहले हमने सोचा ये भाई जी मिल गए, बंदा पूरा 1500 रुपये का रूम है, तीन बंदों के लिए 3 बेड है और हम हैं भी 3 बंदे, तो ठीक है। अभी हमने ये डिसाइड करा है, पहले बैग रख देते हैं फिर उसके बाद हम चलेंगे मंदिर की ओर, आरती की तरफ, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। एक पनीर बटर मसाला भी है। अभी यहाँ पे है भोला सरप्राइज रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ पे खा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना, तो अब देखते हैं खाना कैसे बनता, बहुत भूख लग रही है। अब स्टोरी ऐसी है कि हमने खाना खा लिया है। रजी भाई खाना कैसा था?
खाना बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा खा भी लिया है और अब चले। और अब जाना है सीधा कमरे में, सोना है, फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है, सुबह जल्दी उठना है दर्शन करने के लिए, तब सुबह का व्यू दिखाएंगे आपको। बाकी अभी के लिए तो हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रज्जी भाई फिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। जो हमारा ड्रीम था हमने वो पूरा कर दिया और भोले बाबा ने हमें बुलाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर के अंदर से कोई महानुभाव है पानी का डब्बा वही पर सब देवता की छोड़ दी जहाँ जहाँ चढ़ गई। मेरे पीछे भीमशिला है। तो जब केदारनाथ में उस टाइम 2013 में फ्लड्स आए थे तो ये जो शिला है इन्होंने महादेव के मंदिर की रक्षा करी थी, और क्योंकि ऊपर से बहुत सारा पानी आ रहा था तो इस शिला को भीमशिला का नाम दिया गया है। और अभी मैं बाबा जी से ऐसी थोड़ी स्टोरी की बात करता हूँ। मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर पांडवों ने बनाया है। तो जो हमारे शिव जी हैं उन्होंने नीचे गुप्त काशी से दो रूप में आए थे, लड़की के रूप में आए थे ऐसा कुछ बाबा जी बोल रहे थे। तब वो गुप्त काशी से ऊपर आए, उनको कोई क्षत्रिय मिला वहाँ से, फिर वो यहाँ से ऊपर आए। आधा मुँह नेपाल में है और पीठ यहाँ पे है, तो कुछ ऐसी बात कर रहे थे बाबा जी। और बस हमारे महादेव है ज्योतिर्लिंग यहाँ से, मतलब ये भी एक ज्योतिर्लिंग है जो हमारे महादेव की ज्योतिर्लिंग है, यहाँ महादेव का अस्तित्व है। और ये मुझे खुद फील हुआ है अभी। बन्नी भाई कैसा लग रहा है फिर दर्शन करके? जय शंकर, जय श्री हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन हो गए हैं हमारे रज्जी भाई, बन्नी भाई। सुबह हम 5:30 बजे उठे, ब्रश किया, मुंह धोया, 5 बजे लाइन में लगे, फिर क्योंकि यहाँ पे लाइन लगा, 4 बजे हम लाइन में लगे थे। बट यहाँ पे सीन पता क्या है यार, यहाँ पे ना बंदे वो VIP दर्शन वाला सीन कर रहे थे कि अब जैसी सेटिंग होगी ना अगर बंदों की पंडितों के साथ तो 500-500 रुपये देंगे, बंदे साइड से निकल रहे। तो हमने पैसे नहीं दिए, हमने वेट किया और हमने दर्शन किए। हमने भाई यहाँ पैसे, यहाँ भी पैसे देके काम चल रहा होगा तो भाई फायदा क्या। जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हो भोले भंडारी। बस अब चले हम नीचे की ओर, हाँ इस वाले बैग में। और अब हम चले हैं नीचे की ओर, मौसम खुल गया है, एकदम ब्राइट शाइनी डे। महादेव ने बुलाया तो ऑब्वियसली मौसम भी साफ ही होगा। थैंक यू भोलेनाथ, लव यू फॉर एवरीथिंग, लव यू महादेव। दवाई नहीं।
पेन किलर चाहिए? अब हम चले नीचे की ओर, शिव जी को बाय कर दिया। मेरी टांग में इतनी दर्द हो रही थी ना, बट यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अभी जब दर्शन करके आया ना और वो सब, थोड़ा मेडिटेशन किया, थोड़ा टाइम लिया भाई, बस रिलैक्स हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब नीचे चले, चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी सरस्वती देते नमः। बाबा जी अपना नाम बताओ। दो घोड़े चाहिए हमको, लौटा के लाओ है। हमारा नाम, मैं हूँ माँ मंदाकिनी मैया का पुजारी। और कितने टाइम से आप यहाँ केदारनाथ में हैं? अरे भैया, भगवान जब से रखे 15 साल से तब। मंदाकिनी मैया जाने। अच्छा, ये सरस्वती है। चंदन लगा के जाओ भाई, फिर से भाई चंदन लगा के जाओ। चंदन लगा अपना खाता है वो ही तो भाई। पर अब जो गलत काम कर रहे हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। भाई पंडित जी, अब ये बंदा देखना भाई, तो यार इस बंदे ने कितनी सही बात। हाँ, कि जितने हैं श्रद्धा से उतने दो। हाँ, तो दे दे, अगर आपके पास खर्चे से दान पात्र में, मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए। और बाकी यहाँ जितने भी मिल रहे थे ना, जिनको भी बोले, चोर तो नहीं मैं बोलूँगा, बट ये कि भाई सेवा कर दो, दक्षिणा दे दो। मांग के दक्षिणा लेनी है तो ऐसी दक्षिणा क्यों रजी भाई। हाँ, और क्या बनती है दक्षिणा? तो दक्षिणा देना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट आस्किंग फॉर दक्षिणा इज अ प्रॉब्लम। दैट इज समथिंग आप जबरदस्ती मांग रहे हो। हाँ, अगर कोई आ रहा है आपको श्रद्धा से पैसे दे रहा है तो ठीक है भाई, क्योंकि मन की वैल्यू मैटर करती है। आधे ज़्यादा चीज़ें तो फिर वही हो जाती है ना कि हाँ, क्या बुरा है क्या भला। हाँ जी बन्नी भाई, फिर कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यात्रा से। देखिए, आप पहली बार आए। मन शांत हो चुका है भाई, और ये चाहते हम के और भी बाबा हमें बुलाए कि हम दर्शन करें जीवन में, और ऐसा ही चलता रहे ये सफर। क्यों रे जी भाई, कैसी रही फिर आपकी ये यात्रा? बहुत अच्छी रही, मेरे को बहुत मज़ा आया। हाँ, हमने थोड़ी यात्रा जल्दी कर ली, पर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हम कुछ जगह देख नहीं पाए, पर नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे, और हमारे को बुलावा होगा हर महादेव, और हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। इस बारी सीन ऐसा हुआ ना कि क्या कहते हैं, हमें आते हुए बहुत बारिश मिली, ज़्यादा नहीं धुंध थी, लेकिन अभी पूरा व्यू क्लियर है, तो अब हो सकता है। और यहाँ से आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, फ्लाइट्स हैं तो, पर हम तो पैदल ही प्रेफर करते हैं बाबा के पास। हमारी
तो बस यही दुआ है, भगवान सबको सन्मति दे। क्यों रज्जी भाई? बिल्कुल भाई, और बादलों और धुंध में फर्क समझे कि बादल क्या होते हैं और धुंध क्या होती है। बाकी पॉजिटिव वाइब्स और सबके माता पिता को शुभकामनाएं, सब लंबी उम्र जिए। आई विश गुड हेल्थ टू एवरीबडी। शिव जी ने हमारा टेस्ट भी लिया, स्टार्टिंग में बारिश इतनी हुई, ऊपर से पत्थर गिरे, वो चेक कर रहे थे कि भाई क्या स्टोरी है, आ सकते हैं कि नहीं। वहाँ हमारे साथ क्या हुआ, हम आ रहे हैं और दो तीन बंदों ने वहाँ पे गाड़ी आगे खड़ी कर दी और ऊपर से पत्थर गिर रहा, और हमने भी देखा भाई पत्थर तो गिर रहा है, पर हमने रिवर्स कर दी। फिर हमको लगा कि भाई क्या, और हमने बोला हर हर महादेव भाई, और हम निकल गए वहाँ से आगे। उसके बाद हमारे को दूसरी बार रोड ब्लॉक मिला, फिर हमारे को बंदे मिले, उन्होंने हमारे को शॉर्टकट बता दिया। तो भाई लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कठिनाई तो आएगी लेकिन डेफिनेटली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। वील इंजॉय द जर्नी, वील हैव फन। बस एक यही बात बोलूँगा कि लाइफ में ऐसा थोड़ा टाइम होना चाहिए रज्जी भाई, कि हम थोड़ा ऐसे जो मेन आपकी लाइफ है उसकी हसल बसल से बाहर निकल के थोड़ा क्यों भगवान के चरणों में जाए, ताकि थोड़ा डाउन टू अर्थ है। क्योंकि यार देखो मेरा ये मानना है, बाकी आई डोंट नो, बट मैं अभी ये बोलना चाहूँगा कि यार मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और सुपरफिशियल वर्ल्ड में वी कैन हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, एंड वो हम सब करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, बट टू स्टे ग्राउंडेड आई थिंक दैट वी शुड टेक सम टाइम, कम आउट एंड रिकनेक्ट विद नेचर। और मैं भोलेनाथ का हमेशा से, हम तो यार क्या बोलना, बट मैं हमेशा आता हूँ, ऐसा टाइम निकालता ही हूँ कि मैं थोड़े टाइम अपने आप को रिकनेक्ट करूँ, बैक टू नॉर्मल आ जाऊँ। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन और ये सब चीज़ें मुझे यहीं पर आकर होती है, जब मैं थोड़ा नीचे से ऊपर आता हूँ, और आते हुए रेल बहुत बनी है क्योंकि तभी इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनी, ऊपर चढ़ते हुए तो भाई मुर्गा बना हुआ था, सच में झूठ नहीं बोलूँगा। अभी उतराई है तो सही सीन चला हुआ है, अदरवाइज चढ़ाई होती तो फ़ोन तो जेब में ही था, फ़ोन तो निकला ही नहीं बस, क्योंकि कल व्यू भी नहीं था ज़्यादा, बारिश हो रही थी और धुंध ही धुंध थी। हम जैसे ही वहाँ से ऊपर से चढ़े तो कोई, बट अब एकदम क्लियर हो गया मौसम तो भाई यार सच में ये मेरा सपना था। थैंक यू भोलेनाथ, और जो भी ये वीडियो देखेंगे आप सबको भी पॉजिटिव वाइब्स, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा, बस पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा काम रखना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बस अब नीचे चलते हैं, फिर इस वीडियो का आएगा पार्ट टू, जो अब आएगी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं जाऊँगा। अभी तो उतराइए, बाकी चलते हैं। फैसिलिटी सारी है यहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने सहने की, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, फूड भी अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट चलो ज़रूरी है, इतना हाइट पे इतनी सब चीज़ें एक्सपेंसिव होगी, बाकी सब कुछ है, टेंट फैसिलिटी है, यहाँ आसपास थोड़े होटल्स भी है वो गेस्ट हाउस टाइप, तो वो भी है, तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने सहने का। और यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक आपको दुकानें दुकानें मिलेगी, आप सामान भी ले सकते हो जो आपको लेना है खाने पीने का, तो मतलब पूरा भरा हुआ ट्रैक है, ऐसा नहीं कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, आपको दुकानें ही दुकानें मिलेंगी, तो सही है, मज़ा आ गया। तेरे नाम की जोत में सारा मर लिया था बस मेरा, नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा। और एक और बात जो सबसे मेन है कि यहाँ पे जो सिग्नल है वो एयरटेल का ही है सैडली, बट मेरा जियो का था तो वीडियो कॉल ही नहीं हुई घर पे यार, बाकी सब ने करी वीडियो कॉल, मेरे पता नहीं कोई अननोन वाईफाई कनेक्ट हो गया तब हुई, जियो का तो कोई नेटवर्क ही नहीं है यहाँ भाई, इसलिए एयरटेल ही लो। मेरा पहले एयरटेल था, एयरटेल से पोर्ट कराया जियो में, और कल रात को सोने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि जियो से फिर से बैक टू एयरटेल। नीचे से लेकर ऊपर तक, बाकी चाहे किसी की स्मेल आया ना आए, घोड़े की
पॉटी की, ये म्यूल्स खच्चर, इनकी स्मेल आ रही है ऊपर तक। एक प्रोमिनेंट स्मेल जो है वो है खच्चर की, पॉटी की। ना नीचे आते हुए आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हर हर बोले, हर हर बोले। आप बोलोगे हर हर महादेव, बाद में वो बोलेंगे कि सेवा कर दो थोड़ी सी और आपकी यात्रा ये वो। पांच बंदे मिल गए ऐसे सेम अभी, आप बताओ मांग के सेवा करनी तो फिर मतलब यार ये धाम का भी ना इन्होंने मजाक ही बना दिया हुआ है यार। हर हर बोले बोल दो, बाद में बोलो जी सेवा कर दो। वाह ये हो रहा है देखो। बस अभी हमने यहाँ पे स्टॉप लिया था, अब हम नीचे जाएंगे। चाय हमने पी ली है, चाय बहुत ज़बरदस्त बनी थी, तो अब चलते हैं। और भैया से हम बातचीत कर रहे थे। आपका नाम क्या है? रावत। फिर से था ना? दिनेश रावत। दिनेश रावत भैया का नाम। थैंक यू भैया। भैया अपना नाम भी बताओ। अखिलेश राणा। अखिलेश राणा जी, थैंक यू भैया। जय भोले। जय भोले। क्या फिर यार, भैया बहुत ही अच्छे थे, बातचीत करी हमने तो वही बात कर रहे थे हम कि यार जो चीज़ तो देखो जेन्युइन है। अब आप किसी भी ट्रैक पे जा रहे हो और हाइट पे हो और आपको जो चीज़ें मिल रही है जैसे पानी हो गया, मिनरल वाटर की बॉटल होगी, मतलब वही पेप्सी होगी, ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें अगर आपको मिल रही है ना तो ऑब्वियसली उनका रेट डबल होगा, क्योंकि यार इनको भी नीचे से इतना कैरेज पड़ता है, खचरों में लानी पड़ती है सब चीज़ें, वो चीज़ जायज़ है। तो उसके लिए हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है। लेकिन अभी मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, ये मैं आपको ट्रू बात बोलूँगा। मैं मंदिर आया ना तो मैं देख रहा हूँ हर बंदा ना, जो बंदे पैसे दे के सेटिंग कर रहे हैं पुजारियों के साथ, अब वो पुजारी थे टिक्के तो लगे हुए थे ठीक है ना, वो उनको अंदर ले जा रहे हैं। क्यों रज्जी भाई? अंदर ले जा रहे हैं और साइड से दर्शन करा रहे हैं। बाकी तो हमने पूरा एंजॉय मारा, बस जो हार्श रियलिटी थी थोड़ी वो हमने बता दी। 2-3 लाख लोगों के रहने की सुविधा। हाँ बड़े आराम से है ना, फैसिलिटी तो पूरी है कि भाई 5 लाख लोग बड़े आराम से यहाँ पे फैसिलिटेट हो सकते हैं, अगर इतना ज़्यादा रश हो जाएगा। इतनी जगह है यहाँ पे, कहीं खुद के जो कैंप्स ला रहे वो तो चलो अलग हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें हैं तो वो तो फिर से केदारनाथ जी यहाँ पे फिर से चल पड़ा है पुराना सीन। बस वही है कि हम ह्यूमंस जो है ना, बस यहाँ ज़्यादा गंद ना ही पाए तो ठीक है यार, तब इन सब चीज़ों की वैल्यू रहती है, बाकी तो फिर गेम ही गेम हो जाती है। किलोमीटर कवर हो गया है, गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ गौरीकुंड से नीचे तक का सफ़र है 5 किलोमीटर। उतराई में भी थक जाते हैं यार, हद है। तो फाइनली अब ये ट्रैक भी ख़त्म होता है, सिर्फ 2 मिनट और चलना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई अब नहीं चल सकते। तो अब मैं मिलूँगा आपसे इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम एक नई जगह जाएंगे, इसलिए अगले में मिलते हैं। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला।